ये मोबाइल। स्वागत है आप सबका। आवाज आ रही है आप सब तक मेरी? स्वागत है आप सबका। रिसीव कर बोलो क्लास में। जल्दी से आप सब लोग आ जाइए और हम लोग क्विज शुरू करते हैं। चंदन, पिंकू, अन्नपूर्णा, शिवम, शुभम, आप सब लोग यहाँ पे हाजिर हैं तो फिर सब कैसे हैं आप सब? आई होप मुझे आप अच्छी तरह सुन रहे होंगे। और आज हम लोग बैंकिंग के क्विज को लेकर के आए हैं, तो आप सब उसके लिए तैयार होंगे। आप सभी का तैयारी शाला के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अंशु आरती गुड इवनिंग, बीबा माली गुड इवनिंग। चलिए आप सब तैयार हैं आज के क्विज के लिए? जो जो लोग तैयार हैं जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। और जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि आज हम लोग करंट अफेयर्स के क्विज करेंगे। और क्विज का जो कंटेंट हमने आज लिया है वो लिया है जनवरी के आखिरी सप्ताह से। तो उम्मीद करते हैं आप सब पढ़ के आए होंगे और आज भी आप बेहतर करेंगे। तो कितने लोग उपस्थित हैं जल्दी से अपना अटेंडेंस दे दीजिए। गोपाल नाथ साहू गुड इवनिंग। हम लोग क्लासरूम में अटेंडेंस लेते थे ना? यस सर, यस सर। तो एक बार जो लोग उपस्थित हैं यस यस करके कमेंट कर दें तो हमें पता चल जाए कि भाई इतने लोग अभी उपस्थित हैं। चालीस प्रश्न आज हम अब पूछेंगे आपसे। आपको जैसा कि पहले से पता है सोम बुध शुक्र को हम लोग 40 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के लेते हैं बैंक एग्जाम्स के लेवल का, और मंगल गुरु शनि को हम लोग एसएससी एग्जाम्स के लेवल का कंटेंट लेते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी उपस्थित हैं और जिन्होंने कंटेंट्स पढ़ लिया है वो सभी रेडी हो जाएं। 40 प्रश्न और अच्छे प्रश्न हमने कलेक्ट किए हैं फिर से, ठीक है? हमारी टीम लगातार काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है और यकीन मानिए कि अगर आप हमारे साथ बने हैं और इसी तरीके से रिवीजन में जुटे हुए रहेंगे तो एग्जामिनेशन के दौरान आपको इसका बढ़िया इम्पैक्ट मिलेगा, ठीक है? गुड इवनिंग अंशु। तृप्ति किरण प्रेजेंट है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। और कौन कौन लोग उपस्थित हैं? अभी केवल 5 लोगों ने अपना अटेंडेंस दिया है, ठीक है? तो जल्दी जल्दी से आप अपना अटेंडेंस हमें दे दीजिए और हम शुरू करते हैं। 40 सवाल होंगे और बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, ठीक है? देखते हैं कि आज कितने स्टूडेंट 30 सवाल का जवाब सही से दे पाते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे पहले से मौजूद है, अंकिता। ओके, आप सबों का, अंकिता लगता है पहली बार जुड़ी हैं, तो
खैर, आप सबों का स्वागत है। गोपालनाथ साहू प्रेजेंट हैं। ओके, जो लेट से आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं तैयारी शाला के यूट्यूब चैनल में, और आप देख रहे हैं क्विज नाइट। सोनल मेहता, गुड इवनिंग। और क्विज नाइट को हम लोग एक ऐसी आइडेंटिटी देने वाले हैं जिसमें जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी बच्चे कर रहे हैं वो बच्चे इस क्विज में शामिल होकर के अपना रिवीजन। देखिए, आपके पास पढ़ने के लिए काफी कुछ है, ठीक है, लेकिन क्विज के प्रैक्टिस के लिए ये सेशन हम लोग रेगुलरली कंडक्ट करेंगे। गौरव कुमार है, गुड इवनिंग। और हमारा प्रयास ये होगा कि हम प्रतिदिन 3 दिन बैंक के लिए और 3 दिन एसएससी के लिए आपके साथ जुड़ करके आपके असेसमेंट को हम बेहतर कर पाए, आपके परफॉर्मेंस को बेहतर से और बेहतर करने का प्रयास करते रहें, ताकि एग्जाम के टाइम में जो करंट अफेयर्स को लेकर के या जनरल अवेयरनेस को लेकर के जो पैनिक स्थिति होती है उससे हम सब बच जाएं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं हम लोग आज का क्विज। और आपके सामने ये पहला सवाल है जिसका जवाब आपने पहले से दे रखा होगा। आप एक पेन और पेपर लीजिए और 1 से 40 तक उसमें लिख दीजिए। ठीक है, जो हमारे क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं उनको ये पहले से पता है, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं ठीक है उनके लिए मैं जानकारी दे दूं कि आप सब एक पेन और पेपर ले लीजिए और उसमें 1 से लेकर के 40 तक अंकित कीजिए। 5 ऑप्शंस आपके क्वेश्चंस के नीचे स्क्रीन पे होगा, ए बी सी डी। आपको जो ऑप्शन सही लगता है वो आपको पेन और पेपर पे लिखना है, यहाँ कमेंट नहीं करना है आंसर। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे बीच में जुटते हैं नए तो उनको जानकारी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन कोई इशू नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि आप क्विज देने के दौरान आप दूसरे मोबाइल में गूगल नहीं करते होंगे, ठीक है, चूंकि ये आपका असेसमेंट है, आपका सेल्फ असेसमेंट है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप आज आज अगर खुद को यहाँ पे बेहतर दिखाने के लिए गलत रास्ता अख्तियार करते हैं तो एग्जामिनेशन में आपको इसके विपरीत परिणाम मिलेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ईमानदारी से क्विज अटेंड करते हैं और परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। हम लोग स्टैटिस्टिक्स स्टैटिक स्टैटिस्टिक नहीं होता, स्टैटिक जीके होता है, तृप्ति किरण, है ना। वो कंटेंट्स भी होते हैं, आप गौर से नहीं देखते हैं, वो रहते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन स्टैटिक में है और कौन सा करंट इश्यूज है। ठीक है, ओके, तो ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है और अब हम कोई शुरू करने वाले हैं। पहला सवाल है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज गिवन अ रिपोर्ट दैट 70,000 करोड़ रुपीज हैज डिस्पर्स टिल जनवरी 13, 2020 फॉर एमएसएमई लोन। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल www.psblooninfiftynineminutes.com फॉर एमएसएमई लोन विद इन 59 मिनट्स थ्रू पीएसबी अप टू व्हाट अमाउंट। ये जो पीएसबी लोन इन 59 मिनट्स.com 59 मिनट्स.com है एमएसएमई लोन के लिए, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो लोन मिलेगा उसकी अधिकतम राशि कितनी होगी इस योजना के तहत। 59 मिनट में जो लोन देने की योजना है सरकार की, है ना, उसके तहत है ना कितना मैक्सिमम अमाउंट लोन के रूप में दिया जाएगा। आपको जवाब देना है 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ या 10 करोड़। ठीक है जी, चलिए, ये सवाल का जवाब आप पहले दे रखे होंगे इसलिए हम अगले सवाल के लिए बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड बिकम्स द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इंप्लीमेंट एग्रीकल्चर लीजिंग पॉलिसी टू लीज एग्रीकल्चर लैंड एंड गेट रेंट। अंडर दिस पॉलिसी एनी इंस्टीट्यूट, कंपनी, फर्म और एनजीओ कैन टेक लैंड लीज फार्मलैंड फॉर हाउ मेनी ईयर। अब ये सवाल आपने समझ लिया होगा कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जो एग्रीकल्चर लीजिंग पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया है, टू लीज एग्रीकल्चर लैंड एंड गेट रेंट, है ना, यानी
एग्रीकल्चर लैंड को है ना लीज दिया जाएगा और उससे रेंट प्राप्त किया जाएगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी संस्था, कंपनी, फर्म और एनजीओ कैन टेक लैंड लीज फॉर्म लैंड फॉर हाउ मेनी ईयर, फॉर हाउ मेनी ईयर, फॉर हाउ मेनी ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर और 30 ईयर। ठीक है जी, स्टेला समर्स ज्वाइन किए हैं, गुड इवनिंग। ठीक है, इसका सवाल पेन और पेपर मोड में देना है, यहाँ पे कमेंट नहीं करना, ये ध्यान रहे। ठीक है जी, आपने ये सवाल समझ लिया होगा और इसका जवाब आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल देना है। ठीक है जी, चलते हैं हम अगले सवाल के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्लाइमेट एंड बिजनेस पार्टनरशिप ऑफ द फ्यूचर, ठीक है, CDP इंडिया एनुअल रिपोर्ट 2019 रिलीज्ड बाय CDP। ठीक है, कह रहा है इंडिया ऑन 5th रैंक एंड US ऑन टॉप पोजीशन। इस रैंक के अनुसार इंडिया 5वें स्थान पे है और US जो है टॉप पोजीशन पे। टोटल 6900 कंपनीज अक्रॉस द ग्लोबल ग्लोब टू कंपाइल देयर रिपोर्ट अबाउट द एनवायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय देम इन दिस लिस्ट। हाउ मेनी इंडियन कंपनीज हैव गिवन देयर डिटेल्स, मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो रैंक प्राप्त किया वो 5वां था, तो इसके अंतर्गत भारत की कितनी कंपनियों ने है ना अपना विवरण दिया था इस रैंक को जनरेट करने में जो मदद मिली थी। 51, 58, 64, 78 या 83। 51, 58, 64, 78 और 83। ठीक है जी, चलिए जो जो लोग उपस्थित है वो कम से कम लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बोर्ड हैज अप्रूव्ड टू इट्स मर्जर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड OICL एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ NICL, है ना। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का हेडक्वार्टर इनमें से किस शहर में स्थित है, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता या हैदराबाद। ठीक है, देखिए ये स्टैटिक टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा, दिस क्वेश्चन शुड बी इन कैटेगरी ऑफ स्टैटिक GK। ठीक है, NICL का हेडक्वार्टर आपको बताना है, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता या हैदराबाद। चलिए हम अगले सवाल के लिए बढ़ रहे हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी कन्फर्ड झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन विद चैंपियन ऑफ चेंज 2019 अवार्ड फॉर सोशल वेलफेयर एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट। इन दिस इवेंट हु इज अवार्डेड फॉर स्वच्छ भारत कैटेगरी। कह रहा है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी कन्फर्ड झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन विद चैंपियन ऑफ चेंज 2019 अवार्ड फॉर सोशल वेलफेयर। इन दिस इवेंट हु इज अवार्डेड फॉर स्वच्छ भारत कैटेगरी। ठीक है, चैंपियन ऑफ चेंज 2019 अवार्ड एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट में स्वच्छ भारत की जो कैटेगरी है, ध्यान रहे कि यहाँ पे जो जिक्र किया हुआ है वो सोशल वेलफेयर एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में है। सवाल यहाँ पे है कि इसी अवार्ड के दौरान स्वच्छ भारत की कैटेगरी में इनमें से किन्हें अवार्ड मिला था, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, सचिन तेंदुलकर, कैलाश खेर या शिल्पा शेट्टी। ठीक है जी, चलिए हम अगले सवाल के लिए बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पीएम नरेंद्र मोदी चेयर 32nd प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन
मीटिंग 2020 न्यू दिल्ली एंड डिस्कस्ड ऑन 9 डिलेड प्रोजेक्ट विच वर्थ इज 24,000 करोड़। द प्रगति इज अ गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च्ड इन विच ईयर? प्रगति नामक जो गवर्नेंस पोर्टल है, इनमें से किस साल में लॉन्च किया गया था? ठीक है, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन नामक पोर्टल यानी प्रगति किस साल लॉन्च किया गया था? 2012, 13, 14, 15 या 16? ये एक ऐसा पोर्टल है जो देश में विकास के कार्यों की समीक्षा करती है और समय पर पूरा कराने के लिए इनकी जिम्मेदारी तय करते हैं। ठीक है, और उस दौरान इन्होंने डिस्कस किया था कि 9 प्रोजेक्ट डीले हैं अपने तय समय से। तो सवाल यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि ये प्रगति नामक जो गवर्नेंस पोर्टल है, इसकी लॉन्चिंग किस साल हुई थी? 12 में, 13 में, 14 में, 15 में या 16 में? ठीक है जी, चले हम अगले सवाल के लिए बढ़ते हैं। झारखंड सिटी झरिया इज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी एंड लुंगलेई ऑफ मिजोरम लीस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया इन 2018 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट। द रिपोर्ट एनालिसिस ऑफ 287 सिटीज अक्रॉस द कंट्री एंड आउट ऑफ 287 सिटीज हाउ मेनी सिटीज वेयर सेवरली, है ना, सीवरली पॉल्यूटेड? कह रहा है कि झारखंड का जो झरिया है वो सबसे प्रदूषित शहरों में है, और मिजोरम का लुंगलेई जो है वो सबसे कम प्रदूषित शहरों में है 2018 के ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार। इसमें 287 शहर का एनालिसिस किया गया था भारत में। आपको बताना है कि इनमें से 287 में से कितने शहर ऐसे हैं जो सेवरली पॉल्यूटेड है? 211, 221, 231, 241 या 251? देखिए, हमने पहले भी आपको बताया था कि हम लोग जो प्रश्न लेंगे वो कंटेंट्स बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस इनमें से नहीं लिया गया है। ठीक है, अगर आपने थॉरोली इस कंटेंट को पढ़ा होगा तो इसका जवाब आपके लिए देना बहुत मुश्किल नहीं होगा। चलिए हम अगले सवाल के लिए बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट 12th एडिशन ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019, इंडिया स्लिप्स 10 रैंक्स टू 51st। 10 से मतलब 10 रैंक खसक करके 51st हो गया। ठीक है, फ्रॉम प्रीवियस ईयर एंड नॉर्वे ऑन टॉप पोजिशन, व्हाट इज इंडिया स्कोर आउट ऑफ 10 ड्यू टू दिस? द रिपोर्ट शोज इट इज द लोएस्ट लेवल इन 13 ईयर्स। 13 सालों में सबसे लोएस्ट स्कोर रहा है। 10 में से कितना स्कोर रहा था? 5.4, 5.7, 6.3, 6.9 और 7.20? 5.4, 5.70, 6.3 एंड 6.9 और 7.20? ठीक है जी, चलिए आगे का सवाल है आपके लिए स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कंफर्ड द 2020 एनुअल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार टू 49 चिल्ड्रेन इन एज ग्रुप 5 to 8 ईयर्स इन न्यू दिल्ली। व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय ऑफ बेंगलुरु हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट मोटर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी टू बी अवार्डेड विद हिज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार? ठीक है, फर्स्ट मोटर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी टू बी अवार्डेड विद दिस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, बनने वाला जो बाल पुरस्कार, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के दौरान बनने वाला, है ना, आपको लड़के का नाम बताना है। ईशान शर्मा, अनमोल राठी, पार्थ सारथी, यश आराध्या या फिर दर्श मालिनी? ठीक है जी,
चलते हैं हम अगले सवाल के लिए। उम्मीद करते हैं आप सवालों को समझ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। 5 to 18 years, यस 5 to 8 years, नॉट 5 to 18 years। ठीक है जी, 5 से 18 है, बाई मिस्टेक 5 to 8 years लिखा गया, 5 से 18 साल की आयु के बीच के बच्चों के। ठीक है, चलते हम अगले सवाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 10। द थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम वॉज हेल्ड एट करमबीर नवीन चंद्र बारदलोई इंडोर स्टेडियम इन गुवाहाटी असम, वेयर महाराष्ट्र बाज ऑन टॉप पोजिशन एंड हेमा दास बाज टॉर्च बियरर ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी। हु इज द सीईओ ऑफ के आई बाई जी इवेंट, खेलो इंडिया यूथ गेम के, है ना, सीईओ इनमें से कौन है? राहुल जौहरी, मन्नू साहनी, नरेंद्र बात्रा, हिमंत विश्वा शर्मा या फिर अविनाश जोशी। ठीक है जी, राहुल जौहरी, मन्नू साहनी, नरेंद्र बत्रा, हिमंत विश्वा शर्मा या फिर अविनाश जोशी। ये 10 सवाल पूरे हो गए हैं आपके। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चंस को लेकर के पहले से तैयार होंगे। अब बताएं कि क्वेश्चंस का लेबल थोड़ा टफ तो नहीं लग रहा आपको, या मतलब इजी तो नहीं है? अब कमेंट करें थोड़ा, आप क्वेश्चंस के लेबल को किस रूप में देख रहे हैं, प्लीज टेल मी। हम फिर आगे बढ़ते हैं आपके कमेंट जानने के बाद। बना पा रहे हैं आप सब लोग? ठीक चल रहा है ना? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? दीप्ति किरण, आपको क्यों लग रहा है? ठीक मतलब चौंकाने वाले जैसी तो कोई बात नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इंडियन रेलवे सेट्स अप गवर्नमेंट्स फर्स्ट एंड इंडिया फोर्थ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ऑफ माचेश्वर कैरीज रिपेयर वर्कशॉप इन भुवनेश्वर उड़ीसा। द फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट वॉज सेटअप बाई इन्फोसिस इन 2011 एट विच प्लेस? सोनल मेहता कह रहे हैं कि नॉट इजी बट सम क्वेश्चंस आर टफ। टफ नहीं है सोनल, इसको आप इस रूप में समझिए कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो अपडेट्स को अगर क्वेश्चंस के फॉर्म में समझ रहे हैं तो फिर आपको टफ लगेगा। लेकिन आप चूंकि जब बैंक एग्जाम्स आप देते हो ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि बैंक एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा कि भाई राष्ट्रपति किसी देश के दौरे पे गए तो किस देश के दौरे पे गए, इस तरह का सवाल होगा, या प्रधानमंत्री किसी बैठक में शामिल हुए, है ना, तो ये इवेंट कहाँ हुआ, तो ऐसा सवाल होगा। ऐसे भी सवाल हो सकते हैं, लेकिन अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कंटेंट को,
और उसके मतलब सराउंडिंग में जो चीजें और निकल के आ रही है वो भी आपको जानना होगा। चलिए हम आगे के सवाल के लिए बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 13th जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल बिगेन इन जयपुर राजस्थान। 13th जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल बिगेन इन जयपुर राजस्थान इनॉग्रेटेड बाय सीएम ऑफ द स्टेट अशोक गहलोत। इन दिस इवेंट अ बुक द वॉल्ट ऑफ विष्णु हैज बीन लॉन्च बाई सोनाली बेंद्रे वेल। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक। कह रहा है कि 13वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान जो जयपुर में हुआ था है ना, जिसका उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत ने किया था, उसमें एक बुक लॉन्च की गई थी, द वॉल्ट ऑफ विष्णु। ओके, आपको जवाब देना है कि इस बुक के ऑथर कौन है। देवदत्त, पटनायक होगा आई होप, कविता काने, अश्विन संघी, चित्रा बनर्जी देवकरुणी या फिर अमीश त्रिपाठी। ठीक है, वो पटनायक है। पढ़ते हम अगले सवाल के लिए। गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग रिलीज्ड इट्स विजन फॉर नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एनडीएपी विच कंटेन द लेटेस्ट डेटा सेट्स फ्रॉम सेवरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। द एनडीएपी विल टेक 1 ईयर फॉर इट्स डेवलपमेंट प्रोसेस एंड फर्स्ट वर्जन ऑफ द प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज इन 2021। हु इज प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग। ये आसान सवाल है, अब इसको आप स्टैटिक में ही काउंट कर देंगे। ठीक है जी, नीति आयोग के प्रेसिडेंट कौन है? अजय त्यागी, हेमंत कॉन्ट्रैक्टर, राजीव कुमार, अमिताभ कांत या फिर इनमें से कोई नहीं। अजय त्यागी, हेमंत कॉन्ट्रैक्टर, राजीव कुमार, अमिताभ कांत या नन ऑफ दीस। ठीक है, बड़ा मजेदार सवाल आ रहा है। ठीक है, चलिए एमडी अली आए हैं, उनको हमारा रूल्स नहीं पता है। एमडी अली मैं बता दूं कि आंसर्स यहाँ नहीं करने हैं, आंसर्स आपको पेन एंड पेपर पे करने हैं। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल के लिए बढ़ रहे हैं। द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ऑन 18th पोजिशन आउट ऑफ 180 कंट्रीज। डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड बोथ ऑन टॉप पोजिशन एंड सोमालिया ऑन 188th पोजिशन। ठीक है जी, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? जिनेवा, नैरोबी, पेरिस, वर्लिन या लंदन। जिनेवा, नैरोबी, पेरिस, वर्लिन या लंदन। ठीक है जी, चलिए हम अगले सवाल के लिए बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट टू इंक्रीज बाई अराउंड 2.5 मिलियन इन 2020। वट इज द मेन रीजन ऑफ द इंक्रीज इन ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट इज गिवेन इन दिस रिपोर्ट। ठीक है, कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट टू इंक्रीज बाई अराउंड 2.5 मिलियन इन 2020। 2.5 मिलियन 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट किस रिपोर्ट के अनुसार? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द मेन रीजन, का क्या कारण है ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का इस रिपोर्ट के अनुसार? पहला, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ द कंट्रीज, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लेस स्किल वर्कर्स, इकोनॉमिक स्लोडाउन या लो पेमेंट और सैलरी।
इस रिपोर्ट के अनुसार क्या रीजन है ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है 2.5 मिलियन इन 2020, तो रीजन क्या है इसका? सरकार की नीतियों की वजह से, या पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, या जो अस्किल वर्कर्स की कमी है उसकी वजह से, इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से, या लो पेमेंट या वेजेस की वजह से? ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल के लिए। इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक ओपन्स इन भोपाल, मध्य प्रदेश। द ई वेस्ट क्लिनिक प्रोजेक्ट इज फॉर हाउ मेनी मंथ आफ्टर इट्स सक्सेस इट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज। ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल में खोला गया है। द ई वेस्ट क्लिनिक प्रोजेक्ट इज फॉर हाउ मेनी मंथ आफ्टर इट्स सक्सेस इट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या 1 साल? अगर भोपाल में खोला गया ई वेस्ट क्लिनिक अगर सफल रहा, ठीक है, तो देश के विभिन्न जगहों पे कितने मंथ के बाद ये खोला जाएगा? 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 1 ईयर? ठीक है, चलते हैं हम अगले सवाल के लिए बढ़ते हैं। गवर्नमेंट विल सेटअप 10 चेयर्स टू इनकरेज वुमेन इन रिसर्च एक्टिविटीज ऑन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जनवरी 24, 2020 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द नेम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज एस्टैब्लिश्ड ऑफ चेयर्स इन द यूनिवर्सिटीज इन द नेम ऑफ एमिनेंट वुमेन एंड एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट फॉर ईच चेयर्स पर एनम ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है 10 चेयर्स टू इंक्रीज वुमेन इन रिसर्च एक्टिविटीज, ठीक है, और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को, ठीक है, ये सेटअप किया गया, ठीक है ना। कह रहा है कि और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत है। कह रहा है कि एस्टैब्लिश्ड ऑफ चेयर्स इन द यूनिवर्सिटी इन द नेम ऑफ एमिनेंट वुमेन। कह रहा है कि इसमें जो एलोकेटेड अमाउंट है पर चेयर्स, वो 5 सालों के लिए है ना, कितना अमाउंट में है? 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख या 1 करोड़? ठीक है, इंडिया हैज सप्लाइड 30K डोजेज ऑफ मिजल्स एंड रूबेला वैक्सीन टू मालदीव इन 72 आवर्स। द रीजन फॉर इमरजेंसी इज 4 पॉजिटिव केसेस डिटेक्टेड इन अ वीक वाइल मालदीव हैज इरेडिकेटेड मिजल्स इन 2017। इन 2019 विजिट ऑफ मालदीव प्राइम मिनिस्टर इंडिया एंड मालदीव हैज साइंड एन MOU फॉर हेल्थ कॉपरेशन। सवाल है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स? मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अशरफ गनी, बरहम साली, उमार रजाज, महातिर मोहम्मद या इब्राहिम मोहम्मद सॉली? देखिए, ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है, ये स्टैटिक का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, स्टैटिक जीके यही है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 19। द 50th edition ऑफ 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड इन दावोस स्विट्जरलैंड। इन दिस इवेंट विच फॉलोइंग बॉलीवुड एक्टर अवार्डेड विद वाज ऑनर्ड विद 26th क्रिस्टल अवार्ड 2020 टू ऑनर देम फॉर कैंपेनिंग टू रेज अवेयरनेस ऑन मेंटल हेल्थ। ठीक है, सवाल का जवाब में देना है आपको आमिर खान, दीपिका पादुकोण, फरहान अख्तर, प्रियंका चोपड़ा या सोनम कपूर? ट्वेंटी सिक्स क्रिस्टल अवार्ड 2020, ठीक है, मेंटल हेल्थ के लिए, अवेयरनेस के लिए। अभिषेक राज नए स्टूडेंट्स हैं। अभिषेक, ये लाइव क्विज है जिसमें सेल्फ असेसमेंट करना होता है,
यहाँ रिप्लाई नहीं करना है। अगर आप क्विज में शामिल होना चाहते हैं तो इस सवाल का जवाब आपको एक पेपर पे ड्रॉ करके रखना है। 40 सवाल तक हम लोग पूछेंगे, आज 19वां सवाल चल रहा है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे हर सवाल का सही जवाब। फिर आप चेक कीजिएगा कि आपने कितने सही करे हैं, कितने गलत। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइन 210 मिलियन डॉलर लोन पैक्ट फॉर महाराष्ट्र एग्रीकल्चर एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। द स्टेट्स ऑल 36 डिस्ट्रिक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड विद दिस प्रोजेक्ट एंड वुड बेनिफिट नियरली हाउ मेनी फार्मर्स ऑफ द स्टेट्स। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन या 5 मिलियन। ठीक है, करें भारत और वर्ल्ड बैंक जो है 210 मिलियन डॉलर के लोन पैक्ट किया है महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए, जो राज्य के सभी 36 जिलों में इंप्लीमेंट किया जाएगा। इससे कितने किसान राज्य के बेनिफिटेड होंगे? 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन या 5 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्राइवेट बैंक हैज लॉन्च्ड एन एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पायोनियर बैंकिंग। दिस सर्विस विल प्रोवाइड टू हाई नेटवर्थ कस्टमर ऑफ द पर्टिकुलर बैंक। कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्राइवेट बैंक जो है पायोनियर नामक प्लेटफॉर्म का लॉन्चिंग किया है एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म में। दिस सर्विस जो है, ये सर्विस जो है वो हाई नेटवर्थ कस्टमर, दिस सर्विस विल प्रोवाइड टू हाई नेटवर्थ कस्टमर ऑफ द पर्टिकुलर बैंक, मतलब हाई नेटवर्थ वाले कस्टमर्स को इसके मदद से सर्विस दी जाएगी। ठीक है, जवाब देना है आपको HDFC बैंक, येस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर बंधन बैंक। चलते हैं हम अगले सवाल के लिए। विच कंट्री चीफ इलेक्शन कमिश्नर टुक ओवर द चार्ज ऑफ न्यू चेयरमैन ऑफ फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया फॉर ईयर 2020। विच कंट्री चीफ इलेक्शन कमिश्नर टुक ओवर द चार्ज ऑफ न्यू चेयरमैन ऑफ फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया फॉर ईयर 2020। चाइना, यूएसए, बांग्लादेश, श्रीलंका या इंडिया। ठीक है, संजीवन कुमारी। जवाब यहां नहीं देना है, जवाब एक पेन और पेपर पे रखिए। ये लाइव असेसमेंट क्विज है, ठीक है। नए स्टूडेंट्स जो जुड़ते हैं क्विज के साथ, तो आप जवाब पेन और पेपर पे रखिए, ठीक है, ताकि आप सेल्फ असेस कर पाइए। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। नितिन गडकरी लॉन्च्ड गति वेब पोर्टल टू मॉनिटर हाउ मेनी प्रोजेक्ट विच वर्थ इज ₹3 लाख करोड़। ठीक है जी, गति नामक जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो 3 लाख करोड़ का वर्थ है उस प्रोजेक्ट का। तो कितने प्रोजेक्ट के लिए, कितने प्रोजेक्ट के लिए ये गति नामक जो वेब पोर्टल है ना, वो मॉनिटर करेगा कितने प्रोजेक्ट को? 200, 350, 500, 750 या 900। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल के लिए बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24। नागालैंड फर्स्ट एमपी पी नागालैंड फर्स्ट एमपी टू राज्यसभा एंड पद्मश्री अवार्डेड मिलुपुरा बेरो पास्ट अवे एट 86 ईयर ऑन अक्टूबर 1 ही वाज आल्सो 2015 है। ही वाज आल्सो ऑनर्ड विद बाय गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ड्यूरिंग इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन सेलिब्रेशन। हु इज द करेंट गवर्नर, नागालैंड के करेंट गवर्नर कौन है? ठीक है, टाइपिंग में एक जगह मिस्टेक है। हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ नागालैंड? ठीक है जी,
ये भी स्टैटिक का क्वेश्चन है। अगला सवाल, ऑन विच डे 10th नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व विथ थीम इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। इन नेशनल वोटर्स डे है ना, इनमें से किस तारीख को मनाया गया जिसका 10वां एडिशन था ये? 23 जैन, 24 जैन, 25 जैन, 26 जैन और 30 जैन। ठीक है जी, चलते हैं हम अगले सवाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल हैज कंप्लीटली फेज्ड आउट इन इंडिया एज पर द रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ड्यू टू यूजेस यूजेस क्लोज्ड बाय फोर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल, मतलब ओजोन को जो ओजोन लेयर को जो है करने में सबसे ज्यादा है ना जो केमिकल है वो इनमें से कौन है? ठीक है, CCl4, EESC24, NaOH 19, HCFC 141b या फिर CFC 113। चलते हैं अगले सवाल के लिए, क्वेश्चन नंबर 27। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज लिमिट्स अंडर VRR टू 1.5 लाख करोड़ फ्रॉम 75,000 करोड़ टू इंक्रीज इट्स ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे जो VRR है इसका मतलब क्या है? VRR में V का मतलब क्या है? वैलिडिटी, वैल्यू, वेरिएबल, वॉलेंट्री या वेंचर। वैलिडिटी, वैल्यू, वेरिएबल, वॉलेंट्री या वेंचर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू फंड द ट्रेवल एक्सपेंसेस ऑफ द टूरिस्ट टू विजिट 15 डेस्टिनेशन ऑफ आइकॉनिक साइट्स ऑफ आवर कंट्री इन वन ईयर। इट वॉज अनाउंस्ड बाय यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ड्यूरिंग द कंक्लूडिंग सेरेमनी ऑफ टू डे नेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ आइकॉनिक साइट्स एज पर द मिनिस्ट्री। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ आइकॉनिक साइट्स एज पर द मिनिस्ट्री? हवा महल, इंडिया गेट, एलिफेंटा केव्स, हरमंदिर साहेब या द सन टेम्पल। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 29। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अनाउंस टोटल पद्म अवार्ड 2020 टोटल 141 अवार्ड्स लाइक पद्मभूषण, पद्मभूषण एंड पद्मश्री। नेम द स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर पद्मभूषण अवार्ड। पद्मभूषण अवार्ड से नवाजे गए जो स्पोर्ट पर्सन है उनका नाम बताएं। गौतम गंभीर, MC मैरीकॉम, बजरंग पूनिया, PV सिंधु या विराट कोहली। गौतम गंभीर, MC मैरीकॉम, बजरंग पूनिया, PV सिंधु या विराट कोहली। ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल के लिए, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे ये रहा। इन 62nd एनुअल ग्रैमी अवार्ड 2019 माइकल ओबामा, मिशेल ओबामा वाज ऑनर्ड विद द बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम ऑफ द ईयर ग्रैमी अवार्ड फॉर विच बुक एट लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया। कह रहा है कि 62वें एनुअल ग्रैमी अवार्ड 2019 मिशेल ओबामा वाज ऑनर्ड विद द बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम ऑफ द ईयर ग्रैमी अवार्ड फॉर विच बुक एट लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया। अ जर्नी फॉर ऑल, यस प्लीज, वी कमिंग, द स्टिंग थ्योरी या सोसाइटी चाइल्ड।
किस किताब के लिए? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे ये रहा। सुनील मेहता इज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ही विल रिप्लेस वीजी कनन आफ्टर हिज रेजिग्नेशन, हु इज द चेयरमैन ऑफ इंडिया बैंक्स एसोसिएशन? ए आईबीए के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास, निर्मला सीतारमन, अजय कुमार झा, रजनीश कुमार या माधव कल्याण? शक्तिकांत दास, निर्मला सीतारमन, अजय कुमार झा, रजनीश कुमार या माधव कल्याण? चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। एमिनेंट लिंग्विस्टिक गोलोक चंद्र गोस्वामी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96, उनका संबंध किस राज्य से था, वो किस राज्य से आते थे? गोलोक चंद्र गोस्वामी एक एमिनेंट लिंग्विस्ट थे, किस राज्य से थे? कर्नाटक, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे ये रहा। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता मेट्रो अंडर हुगली रिवर टू बी ओपन बाय मार्च 2022। फॉर दिस प्रोजेक्ट विच ऑर्गेनाइजेशन आर गिवेन अ सॉफ्ट लोन ऑफ 41.6 मिलियन रुपीज टू कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन? है ना, पानी के अंदर चलने वाला पहला मेट्रो होगा इंडिया में, ठीक है, 2022 तक ये ओपन हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 41.6 मिलियन रुपीज कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को किस ऑर्गेनाइजेशन ने लोन दिया है? है ना, वर्ल्ड बैंक, एनडीबी, एआईबी, जेआईसीए या एडीबी? हाँ, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ओके जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, ठीक है, और फाइनली एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है जी। नेशनल कोलेट्रल मैनेजमेंट, अगला सवाल है। नेशनल कोलेट्रल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड हैज रिलीज इट्स फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ 1920 रबी क्रॉप प्रोडक्शन एंड शोन दैट रिकॉर्ड ग्रेन आउटपुट टू बी विटनेस्ड इन 2020। अकॉर्डिंग टू इट्स एस्टिमेशन व्हाट परसेंट ऑफ इंक्रीमेंट इन रबी फूड ग्रेन फ्रॉम प्रीवियस ईयर? ठीक है, मतलब पिछले साल से रबी के ग्रेन के जो रबी ग्रेन का जो प्रोडक्शन है उसमें कितना प्रतिशत का इंक्रीमेंट एस्टिमेशन है? 4%, 6%, 8%, 10% या 15%? ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे ये रहा। इंडिया एंड ब्राजील साइन 15 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आफ्टर द रिपब्लिक डे ड्यूरिंग द 4-डे विजिट ऑफ ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे। ड्यूरिंग द अग्रीमेंट Both countries set a target to achieve bilateral trade and work of $15 billion by which year? 2021, 2022, 23, 24 या 25? ठीक है, चलिए अब हम अगले सवाल के लिए बढ़ रहे हैं। केवल 5 और सवाल है। अ कमेटी ऑन चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑफ राज्यसभा हेडेड बाई कांग्रेस पार्लियामेंटेरियन जयराम रमेश सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू वाइस प्रेसिडेंट एंड अपर हाउस चेयरमैन एम वेंकैया नायडू। इन दिस रिपोर्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ रिकमेंडेशन हैज गिवेन बाई द कमेटी? कितना रिकमेंडेशन दिया गया इस कमेटी के द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑफ राज्यसभा, ठीक है,
चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए कमिटी जो फॉर्म की गई थी, ठीक है, तो आपको बताना है कितना रिकमेंडेशन दिया गया है, 20, 25, 30, 40 या 50? अगला सवाल है, डिप्लोमेट तरनजीत सिंह संधू अपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर टू विच कंट्री? तरनजीत सिंह संधू को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? चाइना, रसिया, फ्रांस, यूएसए या जर्मनी? ठीक है, ये आसान सवाल है, सवाल सारे ही आसान है अगर आपने पढ़ के रखा हुआ है तो, अगर थॉरोली कंसंट्रेशन के साथ और पूरे तथ्यों को पढ़ा है तो फिर ये सवाल आसान है सारे के सारे, और एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव फॉर पीपल ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट अंडर विच इट हैज गिवन एन एग्रीमेंट विद गुजरात स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ लोकल हैंडीक्राफ्ट मेड बाई द आर्टिजन्स वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन? ठीक है, कह रहा है कि ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के द्वारा जो इनिशिएटिव है उसका नाम क्या है, ठीक है, जो कि एग्रीमेंट किया गया है गुजरात स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए, ताकि लोकल हैंडीक्राफ्ट्स जो वहाँ के हैं है ना, उनको प्रमोट किया जाए। सामर्थ, मदद, कारीगर, तिजोरी या क्राफ्ट इंडिया? चलिए, केवल दो सवाल है और अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। इन विच स्टेट अ बार मेमोरियल वीर स्मृति विल बी बिल्ड बाई असम राइफल्स फॉर 357 आर्मी एंड असम राइफल्स पर्सनल हु डाइड वाइल फाइटिंग है ना इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? त्रिपुरा, असम, मणिपुर, सिक्किम या नागालैंड? त्रिपुरा, असम, मणिपुर, सिक्किम या नागालैंड? कुछ सवालों में टाइपिंग मिस्टेक्स हैं जिसको भी हम लोग करेक्ट करके पीडीएफ अपलोड कर देंगे, ठीक है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे उपलब्ध रहेगा, थोड़ी देर में हम इसे अपडेट करके अपलोड कर देंगे। अगला सवाल है, आखिरी सवाल। आरबीआई हैज अपॉइंटेड जनक राज एज मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। एमपीसी इज द सिक्स मेंबर ऑफ कमिटी, दे थ्री आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट एंड अदर थ्री आर फ्रॉम आरबीआई। गिव द आंसर, हु इज नॉट द मेंबर ऑफ एमपीसी? ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन एक मेंबर नहीं है? मिचेल पात्रा, चेतन घाटे, पामी दुआ, बीपी कानूनगो या फिर रविंद्र एच ढोलकिया? ठीक है जी, तो यहाँ पे ये 40 सवाल आपके पूरे हो गए हैं है ना। अब हम आगे जो है वो आपको आंसर्स बताने वाले हैं, और आई होप आप सबने काफी अच्छा अटेम्प्ट किया होगा, और देखते हैं कि कितना आपने सही करा है और कितना गलत हुआ है, ठीक है। तो अगले स्क्रीन पे आपको मिलेगा आंसर शीट और उससे आप मैच कराएं। चलिए, मैं बोलता जाता हूँ, आप मिलाते जाएं। 1 का 3, 2 5, 3 2, 4 4, 5 5, 6 4, 7 3, 8 4, 9 4, 10 5, 11 1, 12 3, 13 5, 14 4, 15 4, 16 3, 17 3, 18 5, 19 2, 20 1, 21 3, 22 5, 23 3, 24 4, 25 3, 26 4, 27 4, 28 5, 29 4,
30 3, 31 4, 32 3, 33 4, 34 2, 35 2, 36 4, 37 4, 38 1, 39 5 और 40 1। चलिए जल्दी से काउंट कीजिए और मुझे रिप्लाई कीजिए। एंड रिप्लाई मी हाउ मेनी आंसर्स यू हैव करेक्टेड। इस तरीके से डिस्क्रिप्शन सभी क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो फिर जल्दी जल्दी अब आप रिप्लाई करें कितना आपने सही किया है। देखते हैं सबसे पहले कौन रिप्लाई करते हैं। चलिए रिप्लाई मी सून। शिवम 10 केवल सही है, तृप्ति किरण 30 सही, 7 गलत, अंशु आरती 17 11। ओके और बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। चलिए जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए। अंशु कुमारी 28 6, वेरी गुड। और बताइए। आप निश्चिंत रहें, हर क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, आप पीडीएफ में चेक कर लीजिएगा और अगर गलती रहे तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। वैसे आप बताइए, क्वेश्चन बताइए, नंबर क्वेश्चन नंबर बताइए, हम चेक कर लेते हैं। गोपालनाथ साहू जी, जो जो आपको गलत लग रहा है आप बता दीजिए, हम चेक कर लेंगे। चलिए और बाकी रिप्लाई कीजिए कितना सही है कितना गलत है। अभिषेक राज का 15 राय सही है। चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए, जिनका भी जितना सही हुआ है उतना बता दीजिए। और आप में से किसी को भी अगर आंसर्स गलत लग रहे हैं किसी क्वेश्चंस के तो आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। कोई सजेशन हो आपकी तरफ से उसके लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।
पहला ही क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है। 5 करोड़ ठीक तो है उसमें सही जवाब, 5 करोड़ का तीसरा ठीक है वो। उनसठ मिनट में, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, 5 करोड़ ठीक है, 5 करोड़ सही जवाब है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आप एमएसएमई लोन्स की कैटेगरी में जाइएगा ना, वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक लाख से लेकर के 5 करोड़ तक है, उसके बाद आंसर सही है, आप एक बार चेक कीजिएगा। हम आपको पीडीएफ दे देंगे थोड़ी देर में, उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और इस सेशन को आज के लिए इतना ही। और जैसा कि हम बताए थे कि अब हम आपको बैंक के क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे बुधवार को, और उस दिन हम लोग फरवरी के पहले सप्ताह का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ठीक है जी, तो आप अभी से ही तैयारी में जुट जाइए, और उस दिन आपको अच्छा करना है। ठीक है, तो जितने भी छात्र उपस्थित हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सजेशंस हो, जो भी आपके तरफ से कंप्लेन हो, आप हमें बता सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और हम और बेहतर करने का प्रयास करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये सेशन अभी हम समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।